कानपुर पुलिस के महिला सुरक्षा के दावे फेल। रतनपुर चौकी इंचार्ज दबंगों को दे रहे संरक्षण। पीड़ित महिला ने भाई पर लगाए मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप। 15 दिन पहले भी भाई ने बहन और बहनोई से की थी मारपीट। पीड़ित महिला ने रतनपुर चौकी में लगाई थी न्याय की गुहार। आज फिर दबंग भाई ने बहन बहनोई से की मारपीट। पीड़ित महिला ने थाने में दी तहरीर। चौकी इंचार्ज धन सिंह पीड़ित पर तहरीर बदलने का बना रहे दबाव। पीड़ित महिला न्याय के लिए चौकी थाने में लगा रही चक्कर, फिर भी नहीं मिल रहा न्याय। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि मित्र पुलिस की साख को बट्टा लगा रहे लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कब चलेगा कप्तान साहब का चाबुक। 5 तारीख को मेरे घर में लड़ाई झगड़ा करने अपने दोस्तों के साथ आया था और बंदूक वगैरह दिखाई थी। इसकी रिपोर्ट हमने थाना पंची में दी थी तो एसओ सर ने बोला कि देख लिया जाएगा, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराएगी। फिर आज हम लोग मार्केट जा रहे थे तब मेरे भाई और उसका दोस्त प्रभात ठाकुर बीच में हम लोग को रोक के गाली गलौज करने लगा। जब मेरे पति ने और मेरे पति हमने गाली गलौज देने से मना किया तो रास्ते में मारपीट करने लगा। तभी मेरे जेठ आ गए और उन लोग को लड़का रहा, तब वो लोग भाग गए, बोले दोबारा अगर दिखोगे तो जान से मार देंगे। इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ, इसकी शिकायत हमने थाना पंची में करी थी पर मेरी कोई सुनवाई नहीं। अभी आप कहाँ? अभी हम थाना पंची में ही हैं। तो अभी पुलिस को बताया, पुलिस को शिकायत तहरीर ली आपने? तहरीर ली तो वो मतलब जो हम लोगों ने लिखा था वो बोलना है कि इसको हटा दो, उसको हटा दो। क्यों ऐसा क्यों? पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे, बोलना है कि इसको हटा दो और उसको हटा दो तो लिखी जाएगी। क्या चाहती है अब? क्या हम ये चाहते हैं कि FIR मेरी दर्ज की जाए और उन लोगों के ऊपर मुकदमा हो कराया जाए।